हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए गणित के चिन्ह लगाना सीखेंगे। जैसे कि कोई भी सवाल हो गणित के अंदर, तो उनको चिन्हों का क्या महत्व है और किस तरह से उनको सवालों में चिन्ह लगाना चाहिए। तो बच्चों आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणा करने पर, यानी कि प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो बच्चों हम ये जो चिन्ह है प्लस का गुणा प्लस करेंगे तो प्लस आएगा। तो इसका हमें एक उदाहरण दिया हुआ है। तो पहला उदाहरण है यानी कि प्लस के 3 है और गुणा प्लस के 5 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस के 5 ही आएंगे। तो बच्चों दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, इसके अंदर ये भी प्लस का 6 है और ये भी प्लस का 3 है, तो 6 * 3 करेंगे तो प्लस का 18 आएगा। तो बच्चों दूसरा है अपना कि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। तो इसका उदाहरण देखिए, माइनस के 3 * -2, तो इन दोनों का गुणा किया तो प्लस के 6 आए। दूसरा उदाहरण है कि माइनस का 1 * -5, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 * 5, तो प्लस के 5 आएंगे, क्योंकि माइनस का 1 ही है और माइनस का 5 भी है, तो इन दोनों गुणा किया तो प्लस के 5 आए। तो बच्चों तीसरा है अपना उदाहरण कि माइनस का इनटू प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं, -3 * +2, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो बच्चों दूसरा उदाहरण है -4 * +5, तो -4 * +5 इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस के 20 आएंगे। तो बच्चों चौथा उदाहरण है अपना, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। तो इसका पहला उदाहरण देखते हैं अपन, तो प्लस के 3 है और गुणा माइनस के 6 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 * 3 = 18, तो माइनस के 18 आ जाएंगे। दूसरा उदाहरण है अपना, प्लस के 6 * -2, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 * 2 = 12, और प्लस का और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, इसलिए माइनस के 12 आएंगे। अब अगला है अपना कि चिन्हों पर जोड़ कैसे किया जाता है। तो देखो जोड़ने पर कौन कौन से चिन्ह आते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो बराबर प्लस आएगा। इसका मतलब यह है कि प्लस को जोड़ने पर, प्लस और प्लस को जोड़ने पर प्लस आता है। इसका उदाहरण देखते हैं, देखिए प्लस के 3 है और यहाँ पर प्लस है और प्लस के 2 है, यानी संख्याओं को जोड़ते हैं तो 3 और 2 = 5 आएगा, और प्लस को जोड़ देते हैं तो प्लस 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 आएगा, 5 प्लस का है। दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन कि ये भी प्लस का 6 है और ये भी प्लस का 2 है, इन दोनों का जोड़ेंगे तो 6 और 2 = 8 आएंगे, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह है और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का 8 आएगा। अगला सवाल है हमारा कि छठा कि माइनस प्लस और माइनस, यानी कि माइनस को जोड़ने पर माइनस आता है, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस को जोड़ने पर माइनस आएगा। इसका उदाहरण देखते हैं अपन कि पहला -2 + -5, तो बराबर -7 आएंगे। दूसरा उदाहरण है हमारा -7 + -3, तो इन दोनों को जोड़ने पर -10 आएंगे, लेकिन इसमें जिसकी संख्या बड़ी है उसी का ही चिन्ह लगाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर -5 है तो इसलिए -7 ही आएंगे, इसमें देखो -7 है तो इसलिए माइनस का चिन्ह ही आएगा। अब अगला देखिए सातवां, -++, यानी कि माइनस को जोड़ने और प्लस को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, माइनस भी आएगी और प्लस भी आएगी। ये हम आगे देखते हैं, ये माइनस भी आएगी और प्लस भी आएगी, ये कैसे आएगी,
कि जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। ये ध्यान रखना है आपको। पहला देखते हैं कि माइनस के दो, प्लस और प्लस के चार, तो दो और चार के दो में से चार जाएंगे तो कितना रहेगा, दो, वो भी प्लस के, क्योंकि जिसकी संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगेगा। तो इसमें चार की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का दो आएगा। अगला उदाहरण देखते हैं हम, माइनस के पांच, प्लस और प्लस के तीन। तो देखिए पांच और में से तीन जाएंगे तो कितना रहेगा, दो। देखो इसमें देखते हैं कि माइनस के पांच है वो तीन से बड़ी संख्या है इसलिए माइनस के दो आएंगे। अगला देखते हैं प्लस प्लस माइनस बराबर माइनस प्लस, यानी कि प्लस को जोड़ेंगे माइनस से तो कौन सी संख्या आएगी, माइनस भी आएगी और प्लस भी आएगी। इसमें भी वही संख्या है कि जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का ही चिन्ह लगेगा। उदाहरण देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर प्लस के दो और यहाँ पर प्लस और माइनस के चार, इसका मतलब दो से माइनस की चार संख्या बड़ी है, तो दो में से चार जाएंगे तो दो, तो लेकिन इसमें संख्या कौन से चिन्ह वाली बड़ी है, चार वाली, इसलिए माइनस के दो आएंगे। अगला उदाहरण देखते हैं हम, प्लस के पांच, प्लस और माइनस का एक। इसमें देखते हैं कि वो माइनस यानी प्लस की संख्या है वो बड़ी है और माइनस की संख्या है वो छोटी है, तो पांच में से एक को घटाना है तो चार रह जाएंगे। अब प्लस और माइनस, इसका मतलब प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस के चार आएंगे। जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का ही चिन्ह लगेगा। अब देखिए घटाने पर, अब तक हमने जोड़ने पर किया था, अब आगे करते हैं हम घटाने पर। तो इसमें भी देखिए क्या होता है, माइनस माइनस माइनस, यानी कि माइनस को माइनस से घटाएंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस भी आएगा और प्लस भी आएगा। लेकिन इसमें भी वही है कि जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। उदाहरण देखते हैं हम, माइनस के दो, माइनस और माइनस के तीन, तो बराबर प्लस का एक। तो देखिए इसका मतलब दो में से तीन घटाया तो एक रहा, इसलिए संख्या माइनस की तीन बड़ी है इसलिए क्या होगा, प्लस का चिन्ह आएगा। क्या आएगा, प्लस का चिन्ह। अब देखिए दूसरा उदाहरण दिया हुआ है इसके अंदर कि माइनस के आठ और माइनस के दो। अब देखिए आठ में से दो घटाना है तो छह आएगा, लेकिन इसमें चिन्ह सवाल है कि कौन सा चिन्ह आएगा, कि जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। इसमें आठ का जो संख्या बड़ी है इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। अगला देखते हैं हम, दसवां है प्लस माइनस प्लस बराबर माइनस या प्लस, यानी कि प्लस को घटाने पर प्लस से प्लस को घटाने पर माइनस भी आएगा और प्लस भी आएगा। अब इसमें भी वही है कि जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। पहला उदाहरण देखते हैं हम, प्लस के चार, माइनस और प्लस के पांच। अब देखिए इसमें यहाँ पर बराबर ये प्लस, यहाँ पर चार है और यहाँ पर माइनस के चार है, क्योंकि यहाँ पर प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। अब देखिए चार में से पांच जाएंगे तो एक बचेगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि संख्या कौन सी बड़ी है, कौन से चिन्ह वाली बड़ी है। माइनस के पांच वाले चिन्ह जो संख्या है वो बड़ी है इसलिए माइनस का एक ही आएगा। जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। उदाहरण देखते हैं, दूसरा सवाल, प्लस के आठ, माइनस प्लस के तीन। तो देखिए इसमें अभी बताना है हमें कि माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आ गया,
अब यहाँ पर हमने ये पे 8 प्लस के और ये माइनस के 3, तो अब हमें क्या करना है कि 8 में से 3 घटाना है तो 5 रहेगी। लेकिन अब हमको ध्यान रखना है कि संख्या कौन सी बड़ी है, 8, लेकिन वो प्लस की है, कौन सी है, प्लस की, इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा। अब आगे देखते हैं हम, प्लस माइनस माइनस बराबर प्लस, तो देखिए प्लस को घटाने पर माइनस को प्लस से घटाने पर प्लस आएगा। अगला उदाहरण देखते हैं हम, प्लस के 3 माइनस और माइनस के 6। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस आ गया। अब प्लस के 3 और यहाँ पर प्लस के 6 भी हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के 9 आ गया। अब देखिए उदाहरण नंबर 2, यहाँ पर देखिए प्लस के 8 और माइनस और प्लस के 8, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 8 या प्लस के 3 है, सॉरी प्लस के 8 माइनस और प्लस के 3, तो यहाँ पर माइनस इनटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, तो और 8 प्लस 3 तो कितना हो गया, 11। तो देखिए यहाँ पर संख्या कौन सी बड़ी है, प्लस की बड़ी है, इसलिए यहाँ पर प्लस के 11 आएंगे। अगला देखते हैं हम 12वां, माइनस माइनस प्लस बराबर माइनस। इसका मतलब है कि हमें माइनस को प्लस से घटाना है तो कौन सी संख्या आएगी, कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस आएगा। अब देखिए आगे पहला उदाहरण देखते हैं हम, पहला उदाहरण है हमारा माइनस के 5 और यहाँ पर प्लस के 2। अब देखिए माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आ गया। अब यहाँ पर माइनस के 5 और माइनस के 2, अब माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 7 आ जाएगी। लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है, 5, इसलिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, माइनस के 4 माइनस और यहाँ पर प्लस के 8, तो देखो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी 8 भी माइनस का है, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। तो संख्या कौन सी बड़ी है, माइनस के 8 बड़ी है, इसलिए चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। इस तरह से बच्चों हमें मैथ के चिन्हों को लगाना सीखे। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक स्टॉप करते हैं, धन्यवाद बच्चों।